नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरीडे। दोस्तों आज का ये वीडियो है ग्राम पंचायत में जो जीपीडीपी योजना तैयार की जा रही है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उसके संबंध में ये दोस्तों वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमने ग्राम सभा में वर्ष 2020-21 के लिए जो हमने ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार की है, उसको हम जो प्लानिंग ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है, मतलब प्लान प्लस का जो पोर्टल है, उस पर किस तरह से ऑनलाइन करना है पूरी जानकारी, ये मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, इसमें मैं खास चीज ये बता दूं आपको कि पिछले वर्ष में हमने जो ये वाली प्लान पत्र पर जो जानकारी अपलोड की थी, जो योजना तैयार की थी, उसमें हमने सभी योजनाओं का जो कार्य उसमें शामिल किए थे। दोस्तों इस वर्ष की योजना में खास बात यह है, इसमें हमको सिर्फ जो केंद्र से राशि ग्राम पंचायत को जारी की जाती है केंद्रीय वित्त आयोग की तरफ से, उसके सिर्फ उसी योजना के संबंध में हमको ये प्लान तैयार करना है, मतलब उसी योजना के बारे में, उसी योजना के जो कार्य हमको इसमें लेने हैं, मनरेगा योजना ये फिर अन्य किसी भी योजना की इसमें राशि इसमें सॉरी कार्य इसमें शामिल नहीं करने हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इसके लिए जो हम अभी हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरह से एंट्री करना है, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी ग्राम पंचायत में आप कितने लाख रुपये तक की राशि का ये कार्य आप उसमें शामिल कर सकते हैं योजना में। और ये विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखें कि अभी इस वर्ष जो हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, उसका जो प्लान हम प्लान प्लस जो पोर्टल पर तैयार करेंगे, सबसे लास्ट में जाकर उसको हमको फ्रीज नहीं करना है, फिलहाल उसको सिर्फ सेव करना है जो कार्य हम बना रहे हैं। और 14 वित्त आयोग, मतलब सिर्फ जो केंद्रीय वित्त से राशि जो हमको प्राप्त होती है ग्राम पंचायत को, सिर्फ उसी राशि के लिए हमको ये कार्य शामिल करने हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे हम देखते हैं कौन से पोर्टल पर कहाँ से हमको लॉग इन करना है, किस तरह से उसकी एंट्री करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आ गए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन से पोर्टल पे आपको एंट्री करना है। चलिए दोस्तों मैं अपने ब्राउजर खोल लिया है मैंने, इसमें आपको टाइप करना है planningonline.gov.in, ये पोर्टल का नाम है जिसपे हमको जीपीडीपी का जो हमने प्लान तैयार किया है उसकी एंट्री इस पर करना है। ये मैंने पोर्टल खोल लिया है, इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा लॉगिन करने के लिए, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक किया, ये देखिए लॉगिन पर क्लिक करते से ही आप अपने जो ग्राम पंचायत की यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको डालना है। ये मैंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल लिए हैं, तो मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो रहा है जहाँ पे हमको आगे कार्य करना है। ये दोस्तों ये ऑप्शन कहीं भी आपको बीच में आता रहे तो इसको आप ओके करते रहिएगा। ये मैंने ओके कर दिया दोस्तों। आप जैसे ही अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे ग्राम पंचायत की आईडी पासवर्ड से, उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा जो सामने दिख रहा है। इसमें लेफ्ट साइड में जो तीन तरह के कॉलम ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सब आपको इन्हीं में काम करना है। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारी रहेगी सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है रिसोर्स एनवलप, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप इसमें सब ऑप्शन दो आ रहे हैं, तो इसमें सबसे नीचे वाला जो आ रहा है बजटरी एलोकेशन, आपको इस पर जाना है सबसे पहले। ये मैं इस पर क्लिक किया, इसके बाद आपकी ये प्लान ईयर ऑटोमेटिक आ रहा है ग्राम पंचायत अशोक नगर, ये हमारा सब डिटेल ऑटोमेटिक आपकी फिल होके आएगी क्योंकि आपने आपकी पंचायत की आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया। इसके बाद आपको व्यू ऑल स्कीम, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो सभी योजनाओं का यहाँ पे आपको बैलेंस शो होगा, मतलब राशि आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आ रहा है पहले नंबर पे, इसमें आ रहा है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट, मतलब जो केंद्र शासन से अभी वर्तमान में 14 वित्त की योजना की राशि जो प्राप्त हुई थी ग्राम पंचायतों को, वो राशि इसमें यहाँ पे शो हो रही है। ये सबसे लास्ट में आप देख लीजिए टोटल, जैसे मेरी पंचायत में ये राशि शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, इस राशि जो राशि आपको दिख रही है इस राशि से लगभग 20% और एक्स्ट्रा करके आपको आपकी इस वर्ष की, मतलब 2021 वर्ष की कार्य योजना तैयार करनी है और उसी को आपको इस पोर्टल पर फीड करना है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन देखा है हमने ये सिर्फ राशि देखने के लिए है, तो आप ये राशि नोट कर लें, उसके हिसाब से इसमें 20% और ऐड करके आप ये योजना तैयार करें। चलिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया हमारा, और हम चलते हैं ऊपर वाले पर रिक्वायरमेंट सेक्शन, इस पर मैंने क्लिक किया। इसमें 200 ऑप्शन के अंदर और कैटेगरी खुल रही है, तो आपको इसमें जो वर्क ऑब्लिक एक्टिविटी प्लान जो ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर जो चार तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो है क्रिएट एक्टिविटी, आपको इसी पर क्लिक करना है, मतलब शुरुआत हमारी इसी पर होगी। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमने जो 14 वित्त योजना की जो राशि जो हमको कार्य योजना बनानी है जितनी राशि की, तो उस राशि के हर एक कार्य, मतलब जो हमने कार्य लिए हैं उसके कार्यों के एक एक करके यहाँ पर हमको यहाँ पर एंट्री इसमें करना है। चलिए मैं एक करके बता देता हूँ किस तरह से हमको एंट्री करना है, कि ऊपर के तीन चार कॉलम आपको ऑटोमेटिक फिल हुई आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अब टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे आपको किस तरह के कार्य ले रहे हैं आप 14 वित्त की राशि से, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन जो है उसकी राशि से,
तो उसमें आपको जैसे पब्लिक और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, मतलब दो तरह के ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, सामुदायिक कार्य और हितग्राहीमूलक कार्य। तो हमने इसमें सामुदायिक कार्य मुझे लेना है, तो मैंने ये पब्लिक वर्क्स को सिलेक्ट किया। ये जैसे ही सिलेक्ट हम करते हैं, इसमें नीचे एक ऑप्शन जुड़ जाता है प्रपोज्ड स्कीम का। इसमें यदि हम मनरेगा से इसको लेना है तो हम इसको टिक करेंगे, और हमको पहले से ये ज्ञात है कि हमको मनरेगा योजना की इसमें राशि शामिल नहीं करनी है। हमको सिर्फ जो भारत सरकार का ग्रांट फंड है, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन की जो राशि है, उसी से सिर्फ ये कार्यों हमको बनाना है, इसमें हमको टिक नहीं करना है। अब चलिए यहाँ पे हम डालते हैं एक्टिविटी का नाम, कौन सा आपने कार्य इसमें लिया है। चलिए मैं एक डाल देता हूँ अपना, मैंने ये कार्य लिया है सीसी रोड का, जी मैं इसमें एंट्री करता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपनी एंट्री करनी है, सीसी रोड मेन रोड से इसमें है बाग वाले मंदिर की ओर, ये मैंने कार का नाम लिख दिया। और इसके बारे में डिटेल आप चाहें तो यहाँ पर डाल दें, अन्यथा इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। इसके अलावा एक्टिविटी फोकस एरिया, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे। ये देखिए इसमें मतलब ये जो हम कार्य ले रहे हैं ऊपर, ये किससे संबंधित है, मतलब इसमें कौन सी कैटेगरी में समाहित वो काम हो सकता है, तो ये आपके अपने मतलब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसमें सोच लें कि ये सब एक एक कॉलम पढ़ के कौन से ऑप्शन में आपको ये वाला काम सूट कर जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये सीसी रोड लिया है, तो ये देखिए रोड वाला जो ऑप्शन आ रहा है तो ऑटोमेटिक इसी में आना चाहिए, कि मैंने रोड इसमें सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद ये जो ऑप्शन था मिशन अंत्योदय एम ए, मतलब मिशन अंत्योदय गैप, ये वाला ऑप्शन दोस्तों पिछले वर्ष तक ये वाला ऑप्शन हमको नहीं आ रहा था सिलेक्ट करने के लिए, इस बार ये ऑप्शन जुड़ गया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें मैंने इसमें खोला है, एक ही ऑप्शन आ रहा है नन का, तो कोई बात नहीं इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज ना हो आप, जो भी आपको इसमें सिलेक्ट अलग अलग, क्योंकि हम कैटेगरी सिलेक्ट अलग अलग करेंगे ना एरिया इनके, तो उसी हिसाब से इसमें ऑप्शन भी अलग अलग आएंगे, तो आप उसके हिसाब से जो मिलता जुलता ऑप्शन है आपको उसको सिलेक्ट करना है, और कुछ नहीं इसमें। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, इम्प्लीमेंट एजेंसी, इसमें देखिए ऑटोमेटिक ग्राम पंचायत ही आएगा, इसको सिलेक्ट कर लिया है। जैसे हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ये ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, तो उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें देखिए नीड टू बी फुलफिल्ड, इसमें सजेशन नीड, इसमें मैं क्लिक करता देखता हूँ क्लिक करके क्या आ रहा है, नो सजेशन फॉर दिस प्लान यूनिट। चलिए कोई बात नहीं, इसमें बैक कर देता हूँ इसको मैं, मतलब इस पर हमको कोई काम इस पर नहीं करना है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन हट गया, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट कर दिया है, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने दोबारा से सब ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। चलिए अब चलते हैं हम एक्टिविटी फोर, मतलब इसमें तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ओनली एससी, ओनली एसटी और जनरल और आल, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में है, मतलब किस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो जैसे मेरे यहाँ, जैसे आपके यहाँ किसी एससी के क्षेत्र में आप, मतलब जो एससी क्षेत्र में आप काम ये करेंगे तो आप उसमें सिलेक्ट कर दें, या किसी एसटी बाहुल एरिया है आपका, अनुसूचित जनजाति वाला, उसमें आप कर रहे हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट कर दें, और फिर अदर मतलब सबके लिए यदि ये काम आप कर रहे हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अच्छा, अगला चलते हैं आप, वेदर एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन चिल्ड्रन और बोथ, मतलब क्या ये जो हम काम ले रहे हैं ये महिलाओं के लिए है या बच्चों के लिए है या दोनों के लिए है। तो यदि आपको इसमें कुछ लगता है तो आप उसको सिलेक्ट करें, और नहीं है तो ये सबके लिए काम है तो ये आप उसको ब्लैंक छोड़ दें आप। अगला ऑप्शन चलते हैं, वेदर एक्टिविटीज एक्सक्लूसिव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब विकलांगों के लिए है क्या ये काम। तो चलिए मेरे यहाँ विकलांग, ऑटोमेटिक नो आएगा इसमें, तो आपको यदि हो तो आप यस कर दें, अन्यथा नो भाई क्लिक रहने दें। अगला ऑप्शन देखते हैं, वेदर एक्टिविटीज एक्सेप्टेड टू इन्हेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, क्या ये कार्य आजीविका मिशन से संबंधित है, आजीविका को बढ़ाने वाला है, तो आप चाहें तो इसको यस कर दें आपको लगता हो ये काम, और अन्यथा इसको नो पर क्लिक कर दें। इज द एक्टिविटी पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, कि आपदा प्रबंधन के संबंध में ये प्लान आपने लिया है, क्या उसमें प्लान में शामिल है ये एक्टिविटी। तो मेरे यहाँ जैसे नहीं है, आपके यहाँ हो तो आप यस कर दें, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर दें। इज दिस अ कॉस्टलेस एक्टिविटी, क्या यह कार्य लागत रहित है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक सीसी रोड का काम यदि हमको करना है तो उसमें लागत तो निश्चित रूप से आएगी, तो हम इसको इसको नो पे क्लिक करें, लागत रहित तो नहीं है ये एक्टिविटी। इज इसमें तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें जैसे हमने ये कार्य लिया है वो फ्रेश कार्य करना है या मेंटेनेंस का कार्य करना है, अपडेशन का कार्य करना है, अपग्रेडेशन का, तो ये मैंने जो काम लिया है वो फ्रेश कार्य है तो मैं फ्रेश पे टिक करूँगा। स्टार्ट मंथ, मतलब ये काम हमको कब स्टार्ट करना है उसको हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं ये वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हम कार्य तैयार कर रहे हैं,
तो ये 1 अप्रैल 2020 से ये हमारा समय स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए ये मुझे कार अप्रैल में ही स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो कार मैं ले रहा हूँ, और ईयर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ रही, तो आप उसको अप्रैल कर दें। अच्छा, ड्यूरेशन कितना समय लगेगा इस कार कंप्लीट होने में? मान लीजिए मैं 1 मंथ डाल देता हूँ, 1 मंथ लगेगा। आपको जो अनुमानित लग रहा हो, आपने जो कार ली उस हिसाब से आप इसका ड्यूरेशन डाल दें। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, इसमें लागत कितनी आएगी, तो ये हमको अमाउंट इसमें भरना है। ये अनुमानित राशि है जो हमने कार योजना में बनाई है, उसमें आपको लाख में नहीं लिखना दोस्तों, इसमें आपको राशि, टोटल राशि जो डालनी है। जैसे मेरा काम ये है, मैं 1 लाख रुपए का ये काम है मेरा, 1 लाख रुपए अनुमानित लागत है जिसमें आएगी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ 1 लाख रुपी, मतलब टोटल इसमें 1 लाख रुपये आपको इसमें टाइप करना है। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखते हैं हम, टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी, इस कार से कितने लोग लगभग मतलब लाभान्वित होंगे, एसटी के कितने, जनरल कितने, टोटल कितने। तो मेरे यहाँ लगभग मान लीजिए ये टोटल मिला के मान लीजिए 100 लोग, आप अपने हिसाब से संख्या इसमें डाल लें, मेरे यहाँ मान लीजिए 100 लोग इससे लाभान्वित होंगे। अच्छा, अब लास्ट जो ऑप्शन बचता है हमारा, एक्टिविटी आउटपुट, इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये हम जो कार्य ले रहे हैं, ऊपर जो हमने कार्य लिया है ये वाला सीसी रोड का, तो वो हमारे एक एसेट तैयार होगा, मतलब ये संपत्ति तैयार हो रही ग्राम पंचायत की, तो हमको इसी पे क्लिक करना है। ये मैंने इस पे क्लिक किया। अच्छा, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक अलग सब ऑप्शन भी इसमें खुल के आ जाएगा सामने। अब इसमें भी आपको भरना पड़ेगा। एसेट टाइप में देखिए, आपको इमूवेबल है या मूवेबल है, मतलब चल संपत्ति है बनने जा रही है या अचल संपत्ति बनने जा रही है। तो सीसी रोड जो है तो वो इमूवेबल रहेगा, मतलब अचल संपत्ति स्थायी रूप से रहेगी। इसके अलावा फिर इसी के हिसाब से कैटेगरी नीचे भी सिलेक्ट होने करनी पड़ेगी हमको, एसेट कैटेगरी टाइप। इसमें देखते हैं किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें 5 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये मैं स्वाभाविक है, इसके हिसाब से जो काम को आपको जो सूट कर रहा है, जो आपने काम लिया है, इसमें कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। जैसे मेरे यहाँ रोड ब्रिज एंड कलवर्ट्स ये वाला जो ऑप्शन है, तो इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा इसको सिलेक्ट करते से ही आपको अगली कैटेगरी खुल जाती है। इसमें आपको देखना है इसमें मिलता जुलता कार कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये मेरा रोड सीसी ये वाला दिख रहा है, ये ले लिया है। अच्छा, एसेट यूनिट टाइप, इसमें आपको मतलब सीसी रोड जो आपको डालने वाले हैं, डालने जा रहे हैं, उसकी जो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें लेंथ। जैसे सीसी रोड है तो उसमें मीटर में आएगा, तो मैं मीटर सिलेक्ट करता हूँ इसमें, तो इसमें मैं डाल देता हूँ कितने मीटर की ये रोड है, ये मैंने इसके मीटर में लंबाई डाल दी। अब इसमें यूनिट कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर दोबारा से आपको डालना पड़ेगा, ये मैंने यूनिट कॉस्ट डाल दी। अभी एसेट कवरेज, मतलब ये कौन से एरिया में हो रहा है, यदि आपको ग्राम पंचायत का ऑफिस है उसमें काम हो रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करें, अन्यथा आप एरिया सिलेक्ट कर दें, हमारे एरिया में काम हो रहा है। जैसे आप एरिया सिलेक्ट करेंगे तो आपको विलेज पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ एसेट्स, इसमें आप सिलेक्ट विलेज इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया, आपके जो भी आपके ग्राम पंचायत में गांव दिखेंगे वो आपको इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो होंगे। तो आप इस पर क्लिक करके और ये वाला एरो है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आप इस तरफ ये काम आ जाए, ये गाँव का नाम आ जाएगा। बस इतना से आपको शो करना है। जैसे ये गाँव का नाम इस तरफ आएगा, अब आपको यहाँ पर इसकी डिटेल खुल जाएगी, इसमें यूनिट डालने के लिए, नंबर डालने के लिए, मतलब जैसे 1 सीसी रोड है तो इसमें संख्या 1 डालेंगे। 1 डालने के बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो वापस हम उसी पेज पे आ गए, ये हमारा डिटेल यहाँ पे दिखने लगी। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे दोबारा से करना है। ये मैंने दोबारा से कंफर्म किया, इसके बाद हमारा जो एसेट की जो डिटेल थी वो सेव हो गई है, और हम उसी पेज पे आ गए जहाँ पे हम ये वर्क ऐड कर रहे थे। ये देखिए, अब इसको हमको जाके सेव करना है। चलिए मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने जैसे सेव किया तो हमारी जो एक्टिविटी हम ऐड कर रहे थे, एक्टिविटी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी डिटेल सेव सक्सेसफुली हुई, इसको आप ओके कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट एक्टिविटी, मतलब जितने भी आपने ये कार्य लिए हैं सबको आपको एक करके यहाँ पर ऐड करना है, जो मैंने प्रोसेस ये बताई है। चलिए मैं अपने काम सारे इसमें ऐड कर लेता हूँ, वीडियो कुछ देर के लिए स्किप कर देता हूँ, उसके बाद आगे बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, हम जो एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक चीज़ में बताना भूल गया, एक्टिविटी क्रिएट सारी डिटेल भरने के बाद नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सेव के अलावा, एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको सेव एंड फॉरवर्ड। तो यदि आप कंफर्म हो कि ये सारी जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्लियर है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे सेव एंड फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, मतलब करना ही चाहिए आपको, क्योंकि बाद में हमको जो सेव की हुई सारी एक्टिविटी हमको एक एक करके सेव एंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसलिए आप यदि कंफर्म है सारी जानकारी से आप, तो आप सीधे यहीं से आप सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करें, तो आपको दोबारा से वो काम नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं इस काम को सीधा सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद सीधे ही हमारी एक्टिविटी प्लानर के पास सेंड हो जाती है।
चलिए दोस्तों, अब मैं एक और एक्टिविटी आपको ऐड करके बता देता हूँ जो कि सीसी रोड के अलावा में है। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, जैसे मैंने नल जल योजना के लिए मैं कुछ राशि शेष करके रख रहा हूँ व्यय करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में, कुछ व्यवस्था उसके बनाने के लिए। तो ये मैंने जैसे ले लिया, इसमें कार्य का नाम लिख दिया है। और इसमें यहाँ पर जो एक्टिविटी फोकस एरिया है, इसमें अभी तक हम सीसी रोड ले रहे थे तो हम रोड सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें यहाँ पर रोड आ रहा है, ये देखिए रोड। अभी हम ये वाला जो नल जल योजना का काम ले रहे हैं तो इससे संबंधित काम यहाँ से कौन सी चीज़ दिख रही है आपको, ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा इसमें नन आ रहा, ये सारे ऑप्शन वही का वही हैं, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप एक्टिविटी इज, इस वाले ऑप्शन एक्टिविटी इज में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेश मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन इसमें आ रहा है। तो मेंटेनेंस का कार्य के लिए मैं ये राशि रख रहा हूँ, तो ये मेंटेनेंस तो मैंने टिक किया, तो मेंटेनेंस जैसे टिक किया हमारे ऑप्शन नीचे चेंज हो जाते हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे नीचे जो एसेट वाला ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया है, क्योंकि एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। इसलिए अब नेक्स्ट जो इसका सब स्टेप आ रहा था भरने के लिए, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आप नहीं भरना पड़ेगा। आप सीधे आप यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये अब सेव एंड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये छूट गई है, प्लीज स्पेसिफाई एसेट कैटेगरी टाइप। ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया था, इसमें और सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बिल्डिंग है, इरीगेशन सोर्स है, इसमें वाटर रिसोर्स वाला डाल लेता हूँ, ये वाला मैंने डाल दिया है। और इसकी एक और कैटेगरी खुल गई है। अच्छा, इसकी जो सब कैटेगरी खुली है, इसमें आप देखिए वाटर सप्लाई पाइपलाइन, ये वाला मैं कर देता हूँ क्योंकि पाइपलाइन की मरम्मत भी करवानी है मुझे। अच्छा, इसके अलावा नया ऑप्शन ये खुल जाता है एसेट यूनिट टाइप, इसमें मीटर कितने मीटर ये रहेगा आपका काम, ये मैंने इसमें सिलेक्ट करके इसमें मीटर डाल देता हूँ, कितने मीटर मुझे लगेगा लगभग, ये मैं डाल देता हूँ 60 मीटर के समथिंग मुझे काम कराना है, ये मैंने 60 मीटर डाल दिया। इसके बाद हम इसको सेव एंड फॉरवर्ड क्लिक करते हैं, ये मैंने सेव एंड फॉरवर्ड क्लिक कर दिया, ये हमारी एक्टिविटीज़ सेव हो गई है। मतलब ये हम सीसी रोड के अलावा, मतलब एसेट जो निर्मित हो रहे थे उसके अलावा एक एक्टिविटी इस तरह से आपको सेव करनी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यदि आपने कोई एक्टिविटी क्रिएट करके सेव की है, उसको सेव एंड फॉरवर्ड नहीं किया है, तो वो आपको सेव एंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा बाद में। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट एक्टिविटी के नीचे जो आ रहा है ऑप्शन मॉडिफाई एक्टिविटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमको वो सारी एक्टिविटी हमको दिख जाएंगी जो हमने सेव की है, मतलब फॉरवर्ड नहीं की है। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, इसमें आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया है। जैसे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने सेव की है जो एक्टिविटी वो देखने लगेंगी, तो उसको उसके बाद हमको उनको सेव एंड फॉरवर्ड भी करना रहेगा। ये देखिए, गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद ये वो एक्टिविटी दिख रही है हमको सामने जो हमने सेव एंड फॉरवर्ड नहीं की है, सिर्फ सेव की है। चलिए मैं इनको आगे भेज देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते से ही आगे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये मैंने वो एक्टिविटी सिलेक्ट की, ये पूरी डिटेल खुल गई जो हमने पहले उस टाइम सेव की थी। अब इसको हम सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे कार्रवाई के लिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ये हमारी सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब हमारी आगे सेव हो चुकी। अब एक और बची मेरे पास, उसको भी मैं सेंड कर देता हूँ। मॉडिफाई जाने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे और अभी गेट डाटा के बाद हमारे पास दो एक्टिविटीज शो हो रही थी, एक हम सेंड कर चुके हैं, फॉरवर्ड कर चुके हैं, एक और बची है। उसको मैं क्लिक किया तो उसकी डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद चेक करना हो चेक करके आप सीधा उसको ये फॉरवर्ड कर देना है। दोस्तों, इस तरह से हमारी सारी एक्टिविटी, मतलब जो भी हमने काम लिए हैं अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करने के लिए, ग्राम सभा में जो अनुमोदन लिया है, वो सारे हमने इसमें एक एक करके काम डाल दिए हैं। अब इसके बाद अगली प्रोसेस क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हम रिक्वायरमेंट सेक्शन में जा रहे थे, आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये सारी एक्टिविटी जो आपने ऐड की है, ये ऑप्शन आ रहा है व्यू एक्टिविटी, यहाँ से आप उनको देख भी सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी ऐड की है, ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, एक बार कन्फर्म करने के लिए आप चाहें तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। देखिए, तो ये सारे काम की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। अब चाहे तो आप इसको एक एक करके खोल के देख भी सकते हैं, हल्की सी डिटेल इसमें आपको दिखेगी काम के नाम के बारे में, उसकी कॉस्ट के बारे में। चलिए, एक काम ये हमारा हो गया है, रिक्वायरमेंट सेक्शन का काम फिलहाल ख़त्म है। अब हम चलते हैं प्लानिंग वाले सेक्शन में। अब हमको क्या करना है, क्रिएट एक्शन प्लान पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और वही गेट डाटा पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद अब जो भी हमने कार्य इसमें ऐड किए हैं, वो कार्यों के नाम, उनकी टोटल कॉस्ट जो भी हमने डाली है, वो आप यहाँ पे सामने दिख रही है। अब हमको दोस्तों क्या करना है, इसका एक एक काम को इसमें राशि अलॉट करनी है।
मतलब ये अलॉट वाला जो ऑप्शन आ रहा है एलोकेट वाला, तो इस कार्य के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं एलोकेट पे। एलोकेट पे क्लिक किया, अब इसमें जो राशि हमको दिखेगी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में हमने ओपनिंग बैलेंस जो देखा था इसका, और इसमें हमने 20% राशि ऐड की थी, तो उसी के मान से हमको वो मतलब यहाँ पे भी राशि एक बार वो दिख रही है कि आपको इस कार में कितनी राशि इसको इस कार में देना है। जैसे हमारा ये काम 1,00,000 रुपये का था, यहाँ ऊपर भी आपको दिख रहा है, इसी में से 1,00,000 रुपये की राशि कम होती जाएगी। ये आप अच्छा इसमें भी आप ध्यान दीजिए, आपको जो आप ये अमाउंट यूज़ करेंगे वो इसमें जनरल वाले में अनटाइड वाला जो अमाउंट है ना उसमें आपको ये राशि डालना है। मतलब टोटल बैलेंस हमारा ये हो गया अनटाइड में जनरल वाला, और हमको इस कार पर 1,00,000 रुपये की राशि खर्च करनी है, तो हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये मतलब 1,00,000 रुपये यहाँ से डाल देंगे। ये हो गया 1,00,000 रुपये। इसके बाद हम इसको अलोकेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये 1,00,000 रुपये की राशि इस कार पर अलोकेट हो जाएगी। अलोकेट पे क्लिक किया, ये देखिए इसके बाद हम वापस उसी पेज पर आ चुके हैं, और ये जो पहले रेड कलर से लिखे हुए थे वो अब ग्रीन कलर से हो गए हैं अलोकेट के बाद। इस तरह से हमको हर एक कार्य की राशि अलोकेट करनी एक एक करके। तो चलिए मैं ये थोड़ा वीडियो स्किप करके पूरी राशि अलोकेट कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने अभी जो स्टार्टिंग में जो बजट रीएलोकेशन देखा था उसमें हमने जो राशि हमारे पंचायत में दिख रही थी वो देखी थी, उससे हमने 20% एक्स्ट्रा का हमने ये बजट अगले वर्ष के लिए तैयार किया है। लेकिन दोस्तों प्लान प्लस पोर्टल पर जो हम राशि हम दिख रही थी ना उसके उसी राशि तक का ये हम एलोकेशन कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने 18 नंबर तक ही मैंने काम एलोकेट कर दिए, अब मैं ये 19 नंबर का जो वर्क है उसको एलोकेट करके देखता हूँ। एलोकेट पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो राशि पहले हमको दिख रही थी ये पूरी अदर काम में मतलब जो हमने 18 वर्क लिए हैं उनमें हम इसको एलोकेट कर चुके हैं, और यहाँ पे अवेलेबल फंड में हमारा ये 0 आ रहा है। इस वजह से हम अगले काम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो ब्लर मतलब टाइप करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल फंड 0 हो गया है। अच्छा तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम बैक करते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको उसी पेज पे जाके। ये मैं उसी पेज पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे हमने जो काम लिए हैं, अब या तो हम ये देख लें कि ये काम हटाना है क्या, क्योंकि हमको ये राशि लगभग 4,00,000 रुपये की राशि के इसमें वर्क हमको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे सेव नहीं हो पा रहे हैं, एलोकेट राशि नहीं हो पा रही है। तो जैसे अब कौन से वर्क इसको मैं हटाना है, आपको मान लीजिए मुझे ये 19 नंबर का कार्य है ये फिलहाल हटाना है, मतलब ये डिलीट नहीं वो काम, लेकिन एक्शन प्लान में नहीं जुड़ेगा ये, अलग से रुक के रह जाएगा बीच में। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलोकेट के आगे सेट प्रायोरिटी है, उसके आगे एक्सक्लूड वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन का हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक्सक्लूड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला वर्ग यहाँ से हट जाएगा। चलिए मैं करके बता दूँ कि मुझे यही वाला काम हटाना है। एक्सक्लूड पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, इसको प्रोसेसिंग के बाद वो पेज में से वहाँ से ये कार्य हट जाएगा। चलते हम देखते हैं, यस वो काम देखिए यहाँ से गायब हो गया है। चलिए इसी तरीके से मुझे अच्छा आप ये चाहें ना तो ये वाले जो काम आपने ऊपर ले रखे हैं आप चाहें इनमें से भी कोई सा काम ये हटा सकते हो, और इसी राशि का आप नेक्स्ट वाला काम ये यहाँ से आप इसको एलोकेट राशि कर सकते हो, क्योंकि मुझे यही लास्ट वाले जो काम हटाने हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी आप एक्सक्लूड वाला ऑप्शन यूज करके आप काम हटा सकते हो। चलिए मैं ये भी हटा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया और ओके किया। ये देखिए ये भी काम हट गया होगा शायद, जी हाँ ये भी कार हट गया है इसमें से, और इसी तरीके से मैं ये लास्ट वाला काम भी हटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा हमारे वर्क हो रहे थे उनको तीनों को हमने हटा दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद हमारे जो 18 काम है ये हम सारी राशि जो हमारे पंचायत की लॉगिन पे दिख रही थी वो हमने इसको अलोकेट कर दी है एक एक करके। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमारा रह जाता है लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है, अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, मतलब इसमें हमको दोस्तों जीपीडीपी के जो ग्राम सभा में आपने अनुमोदन लिया है उस रजिस्टर को आपको स्कैन करके यहाँ पे इसमें अपलोड करना है। चलिए मैं इसको ब्राउज करके अपलोड करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं वो फाइल ब्राउज कर लेता हूँ। ये वो फाइल है जो मैंने स्कैन करके रखी है, इसको क्लिक करके मैं इसको ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, फाइल हमारी यहाँ पे दिखने लगी है, इसका नाम ये अपलोड हो जाएगी। ये देखिए फाइल अपलोड हो चुकी है। अब इसको गलती से यदि अपलोड हो गई हो तो इसको हटाना हो तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, इसको टिक करके ड्रॉप अटैचमेंट पर क्लिक कर।
अच्छा दोस्त, इसके बाद भी आप यहाँ पर नीचे देखिए, दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। यदि आप ये कंफर्म हो गए हो कि ये सारी हमारे जो हमने प्लान तैयार किया वो सब ओके है, तो आप सीधा सेव एंड फॉरवर्ड टू एडमिन अप्रूवल इस पर क्लिक कर दें, अन्यथा आप सेव पर क्लिक करें। इसके बाद सेव पर क्लिक यदि आप करते हैं तो आपको इसमें एक चांस और रहता है कि कहीं आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप सेव पर क्लिक करते हैं तो वो मॉडिफाई एक्शन प्लान में जाके आपको उसको दोबारा से सेंड ये वाला ऑप्शन उसमें दिखेगा, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, वहाँ से करना पड़ेगा। जैसे मैं कंफर्म हूँ कि मेरे ये प्लान सब सही है तो मैं सीधा सेव एंड फॉरवर्ड टू एडमिन अप्रूवल इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अच्छा दोस्तों देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला एक पेज सामने आपके दिख रहा है। इसमें जो हम मिशन अंत्योदय वाला जो हम गैप वाले जो सिलेक्ट कर रहे थे उसमें सारे में ऑप्शन नन आ रहा था, जैसे आपके हो सकता कोई अलग भी आ गया हो, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है एक बार और कंफर्म करने के लिए कि आप इसको ये इसी स्थिति में आप इसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। चूँकि मैं मेरे सारे ऑप्शन में नॉन मतलब नन ही आया था उसमें, तो मैं इसको फॉरवर्ड इसी स्थिति में करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, उसको प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक एरर आ रहा था, लेकिन बीच में उसके बाद ये प्लान हैज़ बीन फॉरवर्डेड, ये मैसेज सामने शो हो रहा है, मतलब हमारा प्लान फॉरवर्डेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्लानिंग में जाने के बाद एक बार इसको अप्रूव एक्शन प्लान में जाएंगे, तो आप क्लिक करें। अब यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद ये फाइल जो है हमारी, इसको आपको क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये सारे काम जो हमने उसमें एक्शन प्लान में लिए हैं वो सब यहाँ पे एक शो हो रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सबसे ऊपर लिखा है एडमिन फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूवल डेट, यहाँ पे हमको वो डेट डालना है जिस डेट की ग्राम सभा में आपने इसको अनुमोदन किया है। चलिए मैं अपने यहाँ की डेट डाल लेता हूँ, मैं ये मैंने डेट डाल ली है। इसके बाद आप एक एक कार को यहाँ पे आपको अप्रूव पर टिक करना है, सभी कार जो यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि इसी में इसमें भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, कहीं लग रहा हो कि हमने गलत ले लिया, तो आप इसको नॉट अप्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम मेरे हिसाब से मेरे मैंने जो लिए सब अप्रूव होने लायक हैं, तो मैं सब पे इस पर एक एक करके अप्रूव पे टिक कर दूंगा। मैं कर दे रहा हूँ सभी जितने भी काम मैंने अपने लिए, ये देखिए मैंने ये सभी पे इसमें अप्रूव टिक कर दिया है। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, मैंने इस पर सेव पे क्लिक कर दिया। अब इसमें एक मैसेज दे रहा है, यू हैव अप्रूव्ड ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एज पार्ट ऑफ द प्लान, वुड यू लाइक टू गिव द फाइनल अप्रूवल टू द प्लान। एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आपने सभी को अप्रूव किया है, क्या इसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं ये इसको ओके कर देता हूँ। यस, और ये उसको ओके करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा प्लान जो था, पूरा प्लान बस के हमने बनाया था, वो अप्रूव हो चुका है। अच्छा अब इसमें ये यहाँ पे लास्ट में देखिए दोस्तों, फ्रीज एक्शन प्लान का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें अब देखिए दो तरह की इसमें फाइल दिख रही है, 19-20 और 20-21, मतलब पिछले वर्ष का प्लान प्लस में जो डाटा फीड किया था वो वाला भी है प्लान इसमें, और 20-21 का भी है। मतलब हमारा ये दोस्तों, हमको इसको फ्रीज नहीं करना है, सिर्फ मैं ये चेक करने के लिए कि हमारा प्लान यहाँ पे आ गया है नहीं आया। तो यहाँ पे यदि आपका ये फाइल आपकी वर्ष 20-21 की दिख रही है, इसका मतलब आपने जो प्लान बनाया वो अप्रूव होकर यहाँ पे आ चुका है। बस आपका ये काम खत्म है, यही पूरा दोस्तों वीडियो था। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि सभी ग्राम पंचायत में जो प्लान प्लस का काम कर रहे हैं उनको ये सुविधा हो जाए कि किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं आए, और वीडियो के हिसाब से आप वो सारा काम कर सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में उसके संबंध में आप सवाल कर सकते हैं, मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि सभी सवालों के जवाब उसमें दिए जाएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।